टू श्रीजी फूड, मैं हूँ मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी और मसालेदार होती है और घर के ही सामग्री से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में एक कड़छी जितना तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए उसके बाद गैस की आंच धीमी कर दे और इसमें खड़े मसाले डालें। तो यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च ली है। इसे हम थोड़ा सौते कर लेंगे। आप चाहे तो खड़े मसाले थोड़े दरदरे पीस के भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हींग डालेंगे, कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो 4 से 5 कली जितना लहसुन और 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप करके इसी के साथ डाल सकते हैं। मेरी सारी रेसिपी विदाउट ऑनियन गार्लिक होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। मिर्ची जब सौते हो जाए उसके बाद हम इसमें 5 मीडियम साइज के टमाटर को धो के कद्दूकस करके डालेंगे। यहाँ पर हम ढाबा स्टाइल ये पनीर भुर्जी की सब्जी बनाते हैं तो मोस्टली इसमें कद्दूकस करके या फिर बारीक चॉप करके सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमें मीडियम आंच पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। टमाटर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। नमक को भी हम टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक जब टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे स्लो टू मीडियम आंच पर हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। अब जो भी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं वो हैवी बॉटम की होनी चाहिए ताकि सब्जी इसमें चिपके ना। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितना बेसन डालेंगे। बेसन डालने से जो सब्जी है उसमें पानी अलग नहीं होगा और इसका बाइंडिंग अच्छा आ जाता है। आप बेसन के बदले चाहे तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है और इसमें गुठलियां ना बने उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन मिक्स हो जाए उसके बाद फिर से इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और स्लो टू मीडियम आंच पर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद टमाटर और जो बेसन हमने डाला है वो अच्छी तरह से पक गया है। तो पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जरूरत अनुसार पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अराउंड 1/3 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है। पानी आप अपनी जरूरत अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे आप 4 लोगों को सर्व कर सको उतनी पनीर भुर्जी की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो पानी डाला है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैंने बीज निकालकर कट किया है। इस तरह से टमाटर को कट करके डालने से जब आप पनीर भुर्जी की सब्जी खाओगे तो उसमें जो टमाटर के पीसेस आते हैं उससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और आप टमाटर की क्वांटिटी आप चाहे तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। टमाटर मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें मसाले करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालें। मिर्ची की क्वांटिटी आप जैसा तीखा खाते हैं वैसे प्लस माइनस कर सकते हैं। 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इतना तीखा नहीं होता लेकिन उससे सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब सारे मसाले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने पहले ही डाला था तो अब हमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। मसाले को हमें मीडियम आंच पर सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने चैनल पर और भी अलग अलग तरह की पंजाबी सब्जी की रेसिपी बताई है और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दिया है तो वहां से आप और रेसिपी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। फिर से हम इसमें 1/4 कप जितना पानी डालेंगे।
ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। मसाले डालने के बाद फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे 1 से 2 मिनट तक हम पकने देंगे। दो मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम सब्जी को चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये सब्जी गाढ़ी होने लगी है। सब्जी तले में चिपके ना, उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सब्जी जब इस तरह से कुक हो जाए उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच मलाई में 1 चम्मच दूध मिक्स करके डालेंगे। आप इसके बदले चाहे तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसमें कई सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो दूध और मलाई तो हर किसी के घर में होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने दूध और मलाई का इस्तेमाल किया है। तो मलाई या क्रीम जो भी आप डालते हैं वो सब्जी अच्छी तरह से कुक हो जाए उसके बाद आखिर में ही डालना है। तो आप देख सकते हैं मलाई और दूध जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो पनीर को हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो जो बड़ा ग्रेटर आता है उसका इस्तेमाल करके मैंने पनीर को कद्दूकस किया है। आप चाहे तो उसका हाथ से चूरा करके भी डाल सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे और इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पनीर को कद्दूकस करके डाला है। आप चाहे तो हाथ से भी उसका चूरा करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पनीर को कद्दूकस करके डालोगे तो सब्जी का टेक्सचर ज्यादा अच्छा लगता है। आखिर में इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से मसल के डालना है ताकि उसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढकने की जरूरत नहीं है, खुला ही हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे सब्जी में इस तरह से तेल ऊपर आने लगा है। सब्जी में जब इस तरह से तेल ऊपर आ जाए और सब्जी का इस तरह से टेक्सचर आ जाए तब हमें गैस बंद कर देना है। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। सब्जी के ऊपर हम गार्निशिंग के लिए कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया रखेंगे। सब्जी को यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे के नान के साथ सर्व किया है और ये नान कैसे बनाना है उसकी भी रेसिपी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, आप ये इस तरह से पनीर भुर्जी की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें। आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।